आज फिर मुमरा रेती बंदर खाड़ी में एक डेड बॉडी बरामद की गई है। डेड बॉडी की हालात ऐसी हो गई थी कि उसे पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डेड बॉडी जिसकी मिली है इसकी उम्र 12 से 15 वर्ष होगी। वहीं 18 अक्टूबर को रेती बंदर खाड़ी में सागर आत्माराम गायकवाड़ 13 वर्षीय और सक्षम कुमार इंगले 12 वर्षीय ये दो लड़के डूब गए थे, मगर 10 दिन गुजर गए। वहीं इस बच्चे की डेड बॉडी मिलने के बाद बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी सागर गायकवाड़ या फिर सक्षम कुमार इंगले की हो सकती है। ये डेड बॉडी रेती बंदर के आगे दीवा के तरफ खाड़ी के किनारे झाड़ियों में मिली है। किसी मछुआरे ने इस डेड बॉडी को देखा और इसकी सूचना दी। दमकल विभाग आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई और डेड बॉडी को रेती बंदर एक नंबर पर लाया गया। बताया जा रहा है कि डेड बॉडी भी करीब 8 से 10 दिन की हो चुकी है और परिवार के लोग भी इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि ये डेड बॉडी सागर की है या सक्षम की या किसी और की, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये जांच पड़ताल में ही सामने आएगा। जरूरत पड़ी तो डेड बॉडी की टेस्ट भी करवाई जाएगी कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। वही मृतक सक्षम कुमार इंगले के पिता सुरेश कुमार इंगले से भी हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। और साथ में समाज सेवक जो लगातार 10 दिन से डेड बॉडी की तलाश में जुटे हुए थे नीलेश पाटिल, उन्होंने भी आज इस बच्चे की डेड बॉडी बरामद होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? सुरेश इंगले। अच्छा, आपके बच्चे की 18 तारीख को बताया जा रहा है कि यहाँ पर डूब गया था, उसके बाद से आज करीब 10 दिन गुजर गए, डेड बॉडी मिली है, क्या लग रहा है आपको कि आपके बच्चे की डेड बॉडी है या किसी और की है? आपने देखा उसको, क्या लग रहा है? मैं कल शाम को हमको खबर है कि ऐसा एक बॉडी है, तो हमने सुबह 7 बजे सब लोग मिलकर गए, निलेश दादा वगैरह सब, वहाँ पर एक बॉडी देखे। वैसे ख्याल से तो हमारा जो लड़का गया वो हिसाब से तो बॉडी वैसा ही है, पहचान तो है मेरे हिसाब से, फिर भी मेरे को डाउट है कि एक बार DNA चेक करें। कुछ ये सीजन में 8 से 10 लड़के लोग गायब है, तो कन्फर्म होकर मैं बता नहीं सकता, चाहे मेरा लड़का हो या दूसरे का हो। कुछ आपके लड़के के बदन में बताया जा रहा है धागा वगैरह पहना था, आपने उसके धागे के जरिए कुछ पहचान करने की कोशिश की? कोशिश किया है, मगर हाथ नहीं लगा सकता ना बॉडी को। नीलेश भाई, नहाने के दौरान 18 अक्टूबर को सक्षम और गायकवाड़ नाम के दो लड़के डूब गए थे। बहरहाल अभी तो हमने जो है कि पिता से भी बात की है, उनका कहना है कि अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते किसकी बॉडी है, लेकिन क्या लग रहा है, आप लोगों को जानकारी मिली थी, आपने भी देखा है डेड बॉडी को, तो ये बॉडी क्या सक्षम की है या गायकवाड़ की है, किसकी है डेड बॉडी? जो बच्चे लोग डूब गए थे पानी में 18 तारीख को, आज बहुत दिन के 10 दिन के बाद जो हमारा ढूंढने का काम चालू था, आज यहाँ पे हमें किसी ने खोलने के बाद सफलता मिली कि एक बॉडी मिले वहाँ पे करके, लेकिन देखने जाएगा तो बॉडी बच्चे की ही है, वो सक्षम की बॉडी, हमें ऐसे डाउट है कि उसकी बॉडी हो सकती है करके। अभी पुलिस वाले भी बोल रहे हैं अपन उनके पिताजी से, उनके DNA टेस्ट करके करने के बाद में कंफर्म कर लेंगे कि वो बॉडी उनकी ही करके। यानी आप लोग अभी 100% श्योर नहीं है कि ये बॉडी गायकवाड़ की है या सक्षम की है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते आप? अभी नहीं बोल सकते, जो भी उसके बॉडी पे जो भी एक धागा दीदा है उससे अगर अपने को वहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद में देखने को मिलने के बाद नहीं मालूम मिलेगा कि बॉडी अपने कौन कौन सी करते हैं।